लिखो, वे शब्द जो एक या अनेक होने का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। वचन कितने भेद होते हैं? नंबर वन कौन सा था? और नंबर टू बहुवचन। सबसे पहले क्या लिखा था? इसका कुछ नहीं लिखा था। इसके आगे एरो बना के लिखो, इसके आगे एरो बना के लिखो, लिखो कुछ शब्द हमेशा इसके आगे एरो बना के लिखो, लिखो कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लिखो, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, हवा, वर्षा, दूध, आकाश। सर हो गया सर, एक बार देख लेना आप, हो गया वैसे। आकाश, भाववाचक संज्ञा हो गया ना सर, सही है ना? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सही है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा इत्यादि। भाव व्यक्तिवाचक लिखूंगा बेटा, अनु व्यक्तिवाचक लिखूंगा, भाववाचक संज्ञा तब लिख ले, भाववाचक व्यक्तिवाचक लिखना है। चल ठीक, आगे लिखो, आगे दूसरा बेटा एरो बना के, बेटा एरो बना के व्यक्तिवाचक लिखूं? नहीं, वो मेरे बच्चे से नहीं लिखा गया, सोहेल से नहीं लिखा गया। आगे लिखो दूसरा, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द हमेशा किसमें प्रयुक्त होते हैं बेटा? बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लिखो, हस्ताक्षर बहुत बढ़िया, तुम कैसे पता? हस्ताक्षर प्राण, आंसू, दर्शन। आंसू आ गया ऐसे बोलते हो क्या? वो एक आंसू भी नहीं आया, गलत बोलते हैं ऐसे। एक आंसू भी नहीं आया ऐसे, वो गलत बोलते हैं। आंसू आ गए या आंसू नहीं आया ऐसे ही होता है। क्लियर? आंसू जानता है ना, ट्रेडी वियर आता है ना, कहां से? आंसू। आगे लिखो, दर्शन, बजे तीन बज गया, चार बज गया, क्या होता है? बहुवचन है ना, तीन बज गए, चार बज गए, एक बज गया। आगे लिखो, लोग और बाल, बताओ बाल एक वचन है बहुवचन? सही बताओ, बाल क्षितिज एक वचन है बहुवचन? बाल आ गए, बाल नहीं आए, बाल साफ करके आना, बताओ क्या क्या है? बहुवचन है, क्या है? आगे लिखो, नियम फर्स्ट, पंसल सर, नियम फर्स्ट लिखो।
क्षितिज सर इसको खोलो, नियम फर्स्ट लिखो, लिखो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, मैं दिखाऊंगा, मैं लिखूंगा, अपन से नहीं लिखा जाएगा, आकारांत पुल्लिंग शब्दों की आकारांत वचन, मैं लिख रहा हूं बेटे, लिखो आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, किसके अंत में बेटा, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में, अंत में आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, क्या लगाकर बेटा, ए लगाकर वचन परिवर्तन किया जा सकता है, वचन परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे लिखो बेटा लड़का, नंबर वन लड़का, लड़का बोलो लड़का, बच्चा, अब आपको खुद को करना है बच्चा, फिर लिखो तोता, तोता, दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा खुला छोड़ा ही, आगे लिखो कच्चा, कच्चा, आपको खुद को करना है बेटा कच्चा, बताओ लड़का का क्या होगा, लड़का का क्षितिज, लड़का का लड़का, क्षितिज नाराज हो क्षितिज, तुम सीरियस कैसे हो सकते हो, लड़का का, बच्चा का, तोता का, दरवाजा का, बेटा का, और कच्चा का, कच्चा, अर्पिता मीना बोल रही है, बाकी और नहीं बोल रहे हैं, देख ले, देख लो, देख लो आप, आगे लिखो रे तोता का, तोते बोल रही है अर्पिता, अर्पिता मीना, लिखो नीचे नोट डाल के, नीचे नोट डाल के लिखो, लिखो परंतु यह नियम, नहीं नोट डाल के लिखो, नोट डाल के, परंतु यह, एक बार से कुछ नहीं होता मैडम, एक बार और लो, पूरा लिखो, एक बार नोट डाल दो, पूरा पूरा दोबारा लिखो, एक बार से कुछ नहीं होता, एक बार और लिखो, परंतु यह नियम संबंध सूचक शब्दों पर लागू नहीं होता, परंतु यह नियम संबंध सूचक शब्दों पर, आपने भी लिख लिया पहले, कैसे लिख लिया सर आपके पास, कहां से आ गए, लिखा यहां तक लिखा देते, आपने पूरा लिख लिया, कहां से लिखा, ये कब लिख, कहां से, कोई पुराना बच्चा जानकार है आपका, राजस्थान, कोई आरजीएस जानकार है आपका पहले से, कोई नहीं, इन्होंने पूरा लिख, इन्होंने पूरा लिख रखा है, पापा लिखो, पापा क्या बेटा, पापा, दादा, दादा, मामा, इसका क्या मतलब है बेटा सोहिल, आकारांत पुल्लिंग का मतलब होता है, जैसे ये लड़का है, लड़का, और ये लड़का में लास्ट में आ रहा है, आ, तोता है, तोता, पता तोता स्त्रीलिंग है ना, तो तोता का तोती तो हमने सुना नहीं कभी, अभी तो आपने सुना है तोता का तोती, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं ना तो अलग अदर कास्ट के इंटर, समझ गए ना, तो सर तोता का मेहनत, तोता पुल्लिंग है, तोता क्या है, दरवाजा खुल गई, सही है क्या, दरवाजा खुल गई, पुल्लिंग है क्या है, आगे लिखो नियम टू, नियम टू बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोर्ड पे देखना है, नियम टू बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोर्ड पे, बेटा बात मत करो बेटा, बोर्ड पे देखना है,
दरवाजा खुला छोड़ बेटा प्लीज बोर्ड पे देखना बेटे, देखो बच्चे जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं वो प्री में भी ध्यान रखना है और मेंस में भी ध्यान रखना है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जितने भी क्या हैं स्त्रीलिंग शब्द है, उसमें ये तय है लास्ट जब उसका बहुवचन करेंगे तो चंद्रबिंदु आएगी। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं जब हम उनका बहुवचन करेंगे तो क्या आएगी, चंद्रबिंदु आएगी। बोलो एक बार तेज बन, क्या बोला? जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, जितने भी क्या हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं, जब हम उनका बहुवचन करेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या होता है, चंद्रबिंदु आती। क्या आती है? या तो वो हमको दिखेगी या नहीं दिखेगी। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं जब हम उनका क्या करेंगे, बहुवचन करेंगे, तो क्या आएगी, चंद्रबिंदु आएगी। सबसे सेंसिटिव होता है ये एरिया, कान वाला, ये वाला। क्यों, क्लियर? क्या चंद्रबिंदु आए, क्या आएगी, चंद्रबिंदु आएगी। कोई बात हो गई क्या बेनीवाल? कुछ जिद्दी तुझसे क्यों नाराज हो गया? लेना लड़ लिया ना तुम नीचे अभी तो, तुम दूरी तो एक पल पल की सही नहीं सकते। दोबारा बोलो, दोबारा क्या बोला सर मैंने? जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं, हसस के लो, हसस के पूरा। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं जब हम उनका बहुवचन करेंगे तो क्या आएगी, चंद्रबिंदु आएगी। और लास्ट की मात्रा अगर वो इया शब्द के, इया प्रत्यय के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, इया प्रत्यय के साथ जुड़ेगा, तो लास्ट की मात्रा छोटी हो जाएगी। हेलो, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे जब उनका मैं बहुवचन करूंगी तो लास्ट तो चंद्रबिंदु आई, क्या आएगी, और या प्रत्यय के साथ मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी। क्या हो जाएगी? अब तीन एग्जांपल दे रहे हो अलग अलग तरीके के, और वो तीनों तीनों नियम है आगे। जैसे बोलो दवाई, बोलो दवाई, अब दवाई बोलो, दवाई, ये दवाई गिर गया, सेंटेंस सही है क्या? दवाई गिर गई, दवाई, इसका मतलब क्या है बेटे क्षितिज? दवाई स्त्रीलिंग है। हेलो, दवाई क्या है? स्त्रीलिंग है। दवाई स्त्रीलिंग है तो दवाई का हो गया दवाइयां, दवाई का क्या हो गया, दवाइयां, सही है ना बेटे? अनु इधर देखो, अनु एक बार, दवाई का दवाइयां सही है ना? गलत है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह प्रत्यय के साथ मात्र छोटी, पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना यार, यह प्रत्यय के साथ मात्र छोटी हो जाएगी, और ये हो गया दवाइयां। क्या बोलो? दवाइयां, यह प्रत्यय के साथ मात्र छोटी हो जाएगी, मतलब दवाई तो लिखते हैं हम ऐसे और दवाइयां लिखेंगे ऐसे। बोलो क्लियर सर? मेडिकल दुकान पे तो ऐसे लिखा रहता है, वो मजिस्ट्रेट होता है, वो थोड़ी बोलता कि 100 mg की ले जाओ, ये लंबी चलेगी, इसे लंबा चलोगे आप। समझ गए? दवाइयां, दवाई का क्या, दवाइयां, समझ गए ना? दवाई का दवाइयां, दवाई का, समझ गए ना? मात्रा छोटी, पूरा कॉन्सेंट्रेट बेटे। एक मजिस्ट्रेट बने कितने परिवारों से आगे निकल जाओगे, बताया ना, गांव के सरपंच ऐसी चीज कराएगा अपनी मजिस्ट्रेट बनने के बाद, समझ गए? पूरा कॉन्सेंट्रेट, मात्रा छोटी हो जाएगी, मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसके बाद एक तो ये हो गया, बोलो दीवार, बोलो दीवार, बताओ दीवार स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? बताओ क्या है स्त्रीलिंग, है ना दीवार? क्या आप देखो बहुत ढंग से बेटा, हंसने मत रहे ना, वो निपटेगी अपन से, अपन को यहां ध्यान रखना है। दीवार का हो गया दीवारे, बोलो दीवारे। अब दीवार का दीवारे, ये बिंदी लगी हुई है यहां पे, ये वाली दीवार का दीवारे, ये वाली बिंदु है। अब ये वाली जो बिंदु, हिंदी वाला मास्टर बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि चंद्र बिंदु आएगी, तो यह तो चंद्र बिंदु है ही नहीं, दिख 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 नहीं रही है, तो सही खत्म है मतलब मामला, है तो सही दिख नहीं रही। इसको बोलते हैं सिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सिरोरेखा। बोलो सिरोरेखा। इस ये डंडा खेचते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं सिरोरेखा। बोलो सिरोरेखा। और ये वाली मात्रा हो गई, तो इसको वैसे जनरली तो अपन अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ जब ये स्त्रीलिंग है और जब इसका बहुवचन हुआ, क्या हुआ, तो ये चंद्रबिंदु ही तो है। ओके, क्या बोलो, आगे समझ बेटा? अब एक दो, एक तरीका हो गया दवाई का दवाइयां, ये प्रत्यय के साथ मात्रा छोटी हो गई,
इसमें मात्रा दिखी नहीं लेकिन चंद्रबिंदु है, यस सर नो सर। तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल बेटा इस पे ध्यान दो, आधे घंटे की बात है यार। पंखा उसकी तरफ कर दो यार बेटा, इधर करो, सब ऐसे करो, सब की सब उंगली करो, ऐसे उंगली करो ऐसे। एक बच्चे ने पिछली बार नहीं करी थी, ऐसे करो, बोलो चिड़िया उड़, बताओ चिड़िया का बहुवचन करो, चिड़िया है, चिड़िया का चिड़िया है, क्या होगा, क्या होगा? तुम उस दिन मुझसे बात नहीं करी थी ना, तुमने उस दिन मुझसे, वो टैटू वाला नहीं पहन गई आज, यहाँ वो टैटू बना हुआ है, चिड़िया का चिड़िया है क्या? तू बता क्या तेरे साथ क्या होगा, चिड़िया का बहुवचन, बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? हिंदी वाला टीचर बार बार इस बात को जोर लगा के कह रहा है, अरे यार क्या हो गया, हिंदी वाला टीचर इस बात को बार बार जोर लगा के कह रहा है कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं बहुवचन आएगा, क्या आएगा? जनता एक वचन, जनता भड़क गई, लिखा है मैंने कॉपी में। उसके बाद मैंने पढ़ा नियम, फर्स्ट नियम, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ए लगा, ए बोलो, ए लगा कर वचन परिवर्तन, तोता का तोते बोलो, दरवाजा का दरवाजा का, परंतु ये नियम संबंध सूचक शब्दों पर लागू, आगे लिखो नियम टू। क्या लिखा बेटा? नियम टू लिखो, इकारांत या इकारांत इकारांत या इकारांत, इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, देखो इकारांत या इकारांत क्या होता है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कस्टम्स जानते हो ना, कस्टम्स ट्रेडिशंस, जैसे ये रीति है, रीति तो ये इकारांत है, छोटी की मात्रा है, छोटा ही हो गया ये सर ना, ये दवाई, ये बड़ी की मात्रा हो रही है तो ये बड़ा ही हो गया, ओके बेटा। इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में, शब्दों क्या अंत में, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करें प्लीज, अंत में ए लगाकर, क्या लगाकर बेटा, ए लगा, ये नहीं सॉरी, क्या लगाकर, या प्रत्यय के ऊपर, या प्रत्यय के ऊपर, या प्रत्यय के ऊपर, कल मैं प्रत्यय पढ़ाऊंगा सर, जिंदगी खराब हो जाएगी सर, कल प्रत्यय पढ़ाऊंगा, कल जो छुट्टी कर ली, बस में रोडवेज में धक्के खाओगे, भीड़ धक्का देगी पत्नी को, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, चाहे चाह के भी नहीं आए तो है ना, धक्के भाई भैया धक्का लग रहा है, हम क्या कर सकते भीड़ में, तो प्लीज समझ गए ना, तो प्लीज क्लास में जरूर आना है, क्लास में जरूर आना है, जिंदगी खराब हो जाएगी सर, प्रत्यय पढ़ेंगे, प्रत्यय अब तक तो ऐसे डेमो चल रहा था, कल जरूर आना है। क्षितिज नाराज क्यों बताओ ना, नहीं नहीं प्लीज, तुम्हें इतने सीरियस क्यों, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं नहीं पढ़ा, बताओ क्यों, क्या हो गया इसको, नहीं नहीं मैं तुम्हें पहले जैसे देखना चाहता हूँ, पहले तुम मेरे को छेड़ते थे, लिखो या प्रत्यय के ऊपर, या प्रत्यय के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर, क्या लगाकर बेटा, चंद्रबिंदु लगाकर उनके वचन में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे लिखो नंबर वन, जैसे लिखो नंबर वन लड़की,
मैं सबकी सबका देखूंगा मैं अलग अलग से, पहले केवल उतार दिया ना, बाद में करना बेटे। लड़की रीति, रीति थाली, लड़ी लगी आज सावन लड़ी, मैं देखूंगा सर आके। गर्मी मिठाई तितली परछाई, परछाई बुराई जाति मकड़ी मकड़ी करो बेटे, मकड़ी करो बेटा, जैसे सर ये होगा वैसे ये होगा सर, सब ऐसे होंगे ना सर, जैसे ये होगा बेटा तेरा ध्यान नहीं है बेटे, तेरे बिना जूत दिए तू सुधरेगा नहीं, सच बता रहा हूँ मैं तेरे को, इतनी बार कह रहा हूँ। ये क्यों लगा दी बड़ी मात्रा इसमें, इसमें ये बड़ी मात्रा क्यों लग गई है थालियों, या प्रत्यय लगाना यार, या प्रत्यय, तेरा ध्यान है कि तो नहीं है तेरा, सही सही है ये लड़की, लड़कियां क्यों लगा दिया ये, मैं मेरी ऐसी तैसी करा रहा हूँ यहाँ यार, लड़की का ये प्रत्यय लगा दिया तेरे को, बता रहे ये प्रत्यय छोटी की मात्रा लगनी है, और लड़कियां तो सर मैंने बता भी दिया था दवाई के दवाइयां, बिल्कुल मूर्ख है क्या, लड़की छोटी की मात्रा लगेगी ना, और कॉपी दिखाओगे जरूर अपनी, कॉपी जरूर दिखा जाओगे मेरे को 10 बार, ये मकड़ी हम क्यों लगा दी बड़ी मात्रा, तो तेरा ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा, आप इंग्लिश मीडियम से हो गया उधर किसको भैया, यार इतनी सिंपल सी बात है, जब लड़की आएगा यह प्रत्यय लगने, यह प्रत्यय लगना छोटा वाला कौन सा, तो मात्रा छोटी हो जाए, इसको कैसे एक्सप्लेन करता हूं कि मात्रा सब सबको समझ आ जाता, छोटी मात्रा लगी ना सर, आपने कहां गलती करी है, ये सब में छोटी मात्रा आएगी सर, ये थालियां सब में छोटी मात्रा आएगी सर, दोबारा दिखाओगे एक बार करके, बस सही है सर, शाबाश, ये बुराइयां ई बड़ा किया, दिखाओ दिखाओ, तुमसे ज्यादा मुंह लगना बंद करूंगा मैं, बिल्कुल नालायक हूं, आता जाता कुछ है नहीं है, दिखाओ कहां है, हैं हैं बेटे इधर इधर है बेटे, बच्चे तू इधर आ जा आगे, ये वाला हाँ बच्चा टी शर्ट वाला बच्चा इधर आ जा आगे, तू इधर आ जा, तू इधर आ, इधर आ, और तू रोज है बेटे का, अभी एक महीना बचा हुआ है ना अभी तो, हिंदी का, हिंदी के लिए एक महीना पूरा बचा हुआ है, एग्जाम कितने दिन बचे हुए हैं, एक महीना, तो डेली के तेरा फिक्स हो गया इनके पास, नहीं बैठेगा इधर बैठेगा पंचल सर, थोड़ा उधर फिक्स, मैडम हाँ हाँ सही है सही है, बोल नहीं सकती थी कल वहां गई थी, देख नहीं चल सकती थी।
रीति शब्द देख के गलत लिखा है। तू एग्जाम इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई, तू एग्जाम दे दे। अभी कब कब लगेगा तेरा एग्जाम आरजीएस वाला? लड़की का कब क्या होगा बेटा? लड़की का ऑनलाइन वाले बच्चों से मेरा निवेदन है, ऑफलाइन वाले बच्चों बच्चे भी गलती कर देते हैं, और तुमको कहता हूं ना मैं कि लिख के भेजो तो तुम भेजते नहीं हो। लड़की का हो गया लड़कियां, लड़की क्या हो गया लड़कियां। बेटा तू बताओ, तू आप बताओ बेटे आराम से, और कोई आज के बाद कोई मजाक नहीं ना लायक उसे, उनको आता जाता कुछ है नहीं है, क्या मजाक करनी है। ये लड़की है, ये बड़ी वाली लड़की है, ये छोटा क्यों हुआ या छोटी माता क्यों हुई? या तो क्या बताया था मैंने क्या वैसे बताया था कि मैंने ठीक है ना बेटा। रीतिका रीतियां, रीतिका क्या, रीतिका रीतिका रीतियां, रीतिका रीतियां, रीतिका क्या, थाली का थालियां, थाली का क्या। कितनी लड़कियां पीजी में रहती है, पीजी में आतवर द्वार करो, जो पीजी में रह रही हैं आपके साथ, वो लड़कियां रहती है ना जो टीचर से तैयारी कर रही हैं आपके आसपास रहते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है। अपन ज्यादा मेहनत नहीं करी क्या, वो नहीं करती, बहुत मेहनत करती है वो, और बहुत ऐसे कुत्ते की तरह कान खड़े कर लेती है वो ऐसे, टीचर जब इतनी बारीक चीजें बताता है तो, और फीस उनकी मुश्किल से 15-20 हजार है, और टीचरों की हजारों वैकेंसी आएंगी या 50 हजार वैकेंसी आएंगी, अपनी कितनी है लड़ी का लड़िया नहीं 4 हजार है अभी तो, 23 जून को तो 4 हजार वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है 3778 है, ध्यान रखना। लड़ी का लड़िया, लड़ी का क्या, गर्मी का हो गया गर्मिया, गर्मी का गर्मिया, गर्मी का क्या, मिठाई का हो गया मिठाइयां, ओके बोलो। तितली का क्या हो गया सर, तितली का तितलियां, परछाई का परछाइयां, बोलो परछाइयां, बुराई का बुराइयां, और जाति का हो गया जातियां, ओके बोलो सर। अगला देखो, नेक्स्ट, आगे लिखो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में। अगला नियम, नियम कौन सा बेटे, नियम थर्ड, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एके ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर, क्या लगाकर बेटा, चंद्रबिंदु लगाकर उनके वचन में परिवर्तन किया जा सकता है, चंद्रबिंदु का मतलब मैंने बताया था केवल एक डॉट लगाना है बेटा, है ना। जैसे लिखो आंसर बाद में लिखना, केवल क्वेश्चन लिखते जाना अभी। जैसे लिखो रात, बोलो रात, आंख, मेरा मन है कि सबके सब अपन किस दिन वहां चले गणेश जी के, पूरी क्लास बोलो हमारा देवी देवताओं पे भरोसा नहीं है तो चलो ना किसी दिन,
बहिन। अच्छा, चलो ठीक है। सड़क। गेंद। दीवार। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है 4 जून को। हाँ बेटा, रात का क्या हो जाएगा? रात का बोलो, रातें। सही है ना? सही है ना? रात का रातें सही है ना? कौन कौन कह रहा है गलत है? हाथ ऊपर बता, क्यों गलत है? मैं अनु डॉट, अनुस्वार बोलते हैं डॉट को बेटा, अनुस्वार डॉट। आंख का आंखें, बोलो आंखें, बोलो भेड़े, भेड़े, बोलो भेड़े, बोलो बात, बातें। रात को बात नहीं कर पाऊंगी, देखो मेरी फ्रेंड पास में रहती है। बात स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्या है? बात का बातें। बहन शब्द गलत है, ये बहन शब्द ही गलत है। क्लियर क्या? जैसे बहन गलत है ये, जैसे हम कहते जवाहरलाल नेहरू की बहन का विजय लक्ष्मी पंडित नाम था, क्या नाम था? विजय तो गलत है, वो बहन होता है। क्या होता है? बहन होता है। क्लियर क्या? बहन, ये बहन गलत है, ऐसे बहन गलत है, ऐसे ये वाला बहन गलत है। सड़क का हो गया सड़कें, बोलो सड़कें। गेंद का गेंदे, गेंद का गेंदे, बताओ गेंद खेलोगे अभी आप? क्या खेलोगे गेंद बताओ, बताओ बेटे। गेंद का गेंदे, गेंद का। दीवार का हो गया दीवारे, दीवार का क्या हो गया? दीवार, क्या? दीवार का दीवारे, दीवार का। आइए आइए सर, दीवार का दीवारे, दीवार का। किताब का हो गया किताबें, किताब का क्या हो गया? किताबें। क्लियर क्या? और तलवार का तलवारें। बंसल, अब तू देख ले बेटा कितनी बेइज्जती हो रही है अपनी। मूछ का मूछ है, मूछ का। चाल का चाले, चाल का क्या? समझ गए क्या? ओके बेटे, उसके बाद चलूं आगे। कितने नियम और बचे? अब रूल 4 और लास्ट है, रूल 4 भी और लास्ट नियम भी है। मेरा एक बच्चा ही मेरे को फोन करता है, बस टेडी बियर सर आ रहे हो क्या? चिल्ला लायक और कुछ मेरी परवाह ही नहीं है। अच्छा, ये लॉगी क्लास नहीं लेता क्या? ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो जो मेरी क्लास में आ रहे हैं? एक तो 100 100 गज का प्लाट तुम्हारा नाम। ठीक है, तुम भी कोल्ड कॉफी। आगे लिखो ईया स्त्रीलिंग शब्दों के अंत। अगला नियम, मैं तो मैडम शहर का हूं, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से हूं, जयपुर से मैम, डीपीएस से पढ़ा हूं, दयानंद पब्लिक स्कूल। आगे लिखो, मैं और मैडम क्लासमेट रहे हैं, अन्नू मैम बोल दिया, थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी मेरी, मेरे क्लासमेट रहे हैं। आगे लिखो बेटा लास्ट, पहला एक बार चार तीनों नियमों की ढंग से पढ़ लो, और उससे ऊपर के एक एक नियम को ढंग से पढ़ लो एक बार पूरा अच्छे से बेटा, ढंग से अच्छे से पढ़ लेना बेटा, ढंग से। आपको यहां के बोलना है बेटा, बच्ची बच्ची यहां के बोलना है आपको, आपकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा फिर फेमस हो जाएगा, वो अच्छी रिकॉर्डिंग है, उससे अच्छा कोई वो कोई है ही नहीं, वो रील्स बनाती है, उससे अच्छी ये है सबसे अच्छी रील्स। सबको बोलना है, गर्ल्स को सबको यहाँ आके बोलना है, एक बार बोल दिया मैंने सारे नियम यहाँ बिना देखे। पहले बुलवाता था ना मैं, एक एक बच्चे बुलाता था ना पहले, हाँ ये तो बोल देगी, तो बोल सारे नियम बिना देखे बोलना है, यहाँ पूरे पूरे जितना लिखा है टेडी में, फिर तेरे को माफ है, लेकिन पढ़ लेना। क्या होती है? लिखो ईया स्त्रीलिंग शब्दों की अंत लास्ट,
या स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, बेटे बेटे हेलो, या स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, या स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, बेटे बच्चे, या स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्रबिंदु लगाकर, चंद्रबिंदु लगाकर, या स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, शब्दों के अंत में चंद्रबिंदु लगाकर, क्या लगाकर बेटा, चंद्रबिंदु लगाकर उनके वचन में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे नंबर वन, पुड़िया, पुड़िया, गुड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, दिव्या, दिव्या, बेटा यहां तक यहां के बोल रहे हैं बेटा, पूरे नहीं होगा ना, बोल दोगे कौन सा, पक्का नहीं बोल पाओगे, करो बेटा, क्या किया इसका, पुड़िया का क्या किया, बोलो पुड़िया, बोलो पुड़िया, क्या लगा लास्ट में चंद्रबिंदु लगा दी सब पे, गुड़िया का, बेटा सारे नियम याद कर लो, यहाँ के बोल रहे हैं, एक एक बच्चे को, एक एक बच्चे को यहाँ के बोल रहे हैं, यहाँ के सारे विद एग्जांपल्स, तो 5 मिनट का टाइम बस, स्टार्टिंग आपसे करूँ सरपंच साहब, यहाँ के बोलना है सबको, यहाँ के बोलना है। अब मैं याद कराऊंगा आपको, कंटेस्ट ऐसे नहीं होगा राजी कोशी सर, दोबारा से और कोई बच्चा एंट्री करो, वहां की दिक्कत चल रही नेटवर्क में। थैंक यू सो मच है ना, और कोई दिक्कत हो तो प्लीज आपके साथ, सबके पास मेरे नंबर है ही, पूछ सकता है बच्चा। थैंक यू। हेलो, हाँ बेटा, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा जी, जी कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, हिंदी ढंग से समझ में आ रही है जी सर, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता क्लास में नहीं सर, तो क्या बोल रहा था मैं, अरे किताब मंगा ली, किताब तो तुमने तो मंगा ली, किताब है ना, नहीं सर किताब का क्या है, मैंने ना उनको ऑर्डर के लिए बोला था तो आना, वो बोले कि अभी आप 5 मिनट बाद कॉल कीजिएगा, उसके बाद मैंने रिसीव ही नहीं किया उन्होंने कॉल। ओके ओके, मैसेज कर देना है ना, हाँ जी सर मैं व्हाट्सएप करती हूँ फिर उनको जी सर, और 200 रुपए के ऊपर बेटा बहुत दिक्कत आ जाएगी ना, हम काम इतना कंजूसी कर रहे हैं, और फिर भाई सर ने बताई थी किताब हमने खरीदी नहीं, तो बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बुक तो मंगवानी है जी, जी बिल्कुल। और किसी बच्चे कोई डाउट प्लीज मुझसे बात करो, देखो पूरा टाइम दे रहा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों, किसी कुछ पूछना हो